हेलो फ्रेंड्स, आई एम द स्टूडेंट ऑफ आईआईटी वाला और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं बायो के एक छोटे से टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे छोटे से इंट्रो के साथ। तो आईआईटी वाला इंस्टीट्यूट जिसके चेयरमैन है मिस्टर राजेंद्र सिंह सर, जिनके कई एक सारे सेंटर्स हैं, लेकिन उन्हीं में से एक सेंटर महाराष्ट्र उदगीर यानी जैन पब्लिक स्कूल के साथ टाइप हुआ है, जिसके चेयरमैन है डॉक्टर सुधीर जी जगताप सर। तो इंट्रो खत्म होने पर आपको पता चलेगा कि मेरी कनेक्टिविटी आईआईटी वाला इंस्टीट्यूट के साथ कैसी हुई। तो ये बात है 2020 यानी लॉकडाउन की, जिस समय ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो इंस्टीट्यूट के साथ टाइप होने पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी गई थी। तो मैंने भी स्टार्टिंग में एक दो महीने क्लासेस अटेंड की, तो ओवरऑल मुझे कोटा के टीचर्स के साथ क्लासेस करना अच्छा लगा। उनकी टीचिंग स्टाइल, अलग अलग मैटर्स और लाइफ रिलेटेड ढेर सारे एग्जाम्पल्स, तो ओवरऑल में उनके टीचिंग के साथ अप्रिसिएट हूँ। लेकिन एज अ बायो स्टूडेंट मुझे करनी थी नीट की प्रिपरेशन। जैसे ज़्यादातर बच्चे 11-12 प्लस नीट की प्रिपरेशन करते हैं या 12 के बाद अपनी कोचिंग क्लासेस करके प्रिपरेशन करते हैं, तो इसी डिसीजन के साथ मैं और मेरे पापा 20 सितंबर को स्कूल पे आए थे। लेकिन स्कूल पे आने पे पता चल गया कि सर की क्लासेस ऑफलाइन भी अवेलेबल होने जा रही है। तो ऑलरेडी मैंने जैसे कि एक दो महीने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड ही कर दी थी, तो आई वॉज इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू विद दिस क्लासेस, एंड सो द फाइनली द डिसीजन वॉज चेंज एंड आई कनेक्टेड विद द आईआईटी वाला इंस्टीट्यूट। तो पूरे टीचर्स स्टडी के अलावा हमें कुछ और बातें भी बताते हैं, मोटिवेशन देते हैं। तो ओवरऑल आई कैन से डैट वी ऑल आर लाइक अ स्मॉल फैमिली, एंड आई फील लक्की टू से डैट आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट फैमिली। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, जिसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना लिया है बोर्ड पे। और ये जो येलो चौक से मैंने जो लेबलिंग की है वो है पूरे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये तीन ग्लैंड्स होते हैं, मेल सीमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो व्हाइट चौक से मैंने जो लेबलिंग की है वो उसके पार्ट्स हैं। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है। तो मेल में इसकी लोकेशन होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये पूरा डायग्राम है उसी का। तो जैसे कि आपको पता ही होगा ये टेस्टिस है, उसके ऊपर जो आउटर कवर होता है स्क्रोटम का, जिसे हम बैक भी बोल सकते हैं। और ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये है सेमिनल वेसिकल, ये ग्लैंड है, और ये बल्बो यूरेथर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड का इम्पोर्टेंट होता है सिक्रेशन करने के लिए, आगे हम पढ़ेंगे उसमें डिटेल्स में। और ये होता है टेस्टिस, ये होता है टेस्टिस का डायग्राम, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, जिसके अंदर होते हैं वासिफरेंस रेड टेस्टिस और आउटर कवरिंग, मतलब ऊपर से और एक होता है जिसका नाम है एपिडाइडमिस, और ये है यूरेथ्रा, ये है फोरस्क्रीन, ये है यूरेथ्रल मीटस। दो टाइप्स देखे हैं, एक फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डिस्कस करने जा रहे हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा है कि वो यूनिपेरेंटल होता है, मतलब एक ही पेरेंट उसमें इन्वॉल्व करके खुद को रिप्रोड्यूस करके अपने स्पीसीज को कंटिन्यूस रखता है। तो उसमें भी हमने देखा कि फिजन फर्स्ट टाइप है। तो फिजन में ही हमने बाइनरी फिजन देख रहे हैं। तो बाइनरी फिजन मतलब क्या? तो फिजन मतलब ब्रेकडाउन करना, और बाइनरी मतलब टू, मतलब एक और ऐसा सिंगल ऑर्गेनिज्म तो खुद को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके अपने स्पेसिस को कंटिन्यूस रखता है, और उसका एग्जांपल है अमीबा। तो अमीबा का हम यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं। तो ये है पेरेंटल अमीबा, जो मतलब खुद को डिवाइड करके फाइनली वो टू डॉटर अमीबा बना। पता चलेगा कि कैसे अमीबा अपने बाइनरी फिजन को फॉलो करता है और फाइनली वो डॉटर अमीबा बनाता है। तो मतलब एक ही सिंगल पेरेंटल अपने खुद के बॉडी को डिवाइड करके फाइनली दो डॉटर अमीबा बनाता है, और वो ऐसे ही अपने स्पीसीज को कंटिन्यूस में रखता है। तो सेकंड टाइप आप डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल फिजन। तो
फ्यूजन में हम सेकंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल फ्यूजन, जिसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। तो हम इस प्रोसेस से हमें समझ सकते हैं कि प्लाज्मोडियम मतलब खुद को ऐसा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो खुद को मल्टीपल फ्यूजन फॉलो करके अपने स्पीसीज को कंटिन्यूस में रखता है। तो ये हो गया प्लाज्मोडियम का डायग्राम। मुझे उतना अच्छा डायग्राम नहीं आता, तो प्लाज्मोडियम ही हो गया प्लाज्मोडियम का डायग्राम। अपने अंदर ही अपने सेल को बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करके सो फाइनली वो खुद के सेल को डिस्ट्रॉय करके रिप्रोड्यूस मल्टीपल प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया मल्टीपल फ्यूजन, यानी फ्यूजन हमारा टाइप। तो सेकेंड मैटर हम पढ़ने जा रहे हैं बडिंग, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो इस प्रोसेस में हम देखने वाले हैं कि बडिंग के थ्रू कैसे हाइड्रा अपने स्पीसीज को कंटिन्यूस में रखता है। तो हाइड्रा का डायग्राम मैं बनाने जा रही हूँ। तो ये हो गया हमारा पेरेंट हाइड्रा, ये हो गया पेरेंट हाइड्रा। तो हाइड्रा जो है जो बडिंग मेथड को फॉलो करके अपने स्पीसीज को कंटिन्यूस में रखता है। तो मतलब अपने बॉडी पर एक बर्ड, अब इसे बोल सकते हैं हम बर्ड, मतलब बर्ड के द्वारा वो एक उसके बॉडी में से बर्ड जनरेट होगा और वो बर्ड बाद में डी अटैच होकर एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म करेगा। तो इसका डायग्राम मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ। तो ये हो गया हमारा हाइड्रा का डायग्राम। तो ये है पेरेंट हाइड्रा जो खुद के बॉडी पे एक बर्ड जनरेट करके फाइनली वो बर्ड डी अटैच होके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बर्ड डी अटैच होके एक नया इंडिविजुअल के फॉर्म में वो इंडिविजुअल पूरा अपना बना लेगा। तो ये हो गया हमारा बडिंग का प्रोसेस। असेक्सुअल हाइड्रा रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनरेशन, जिसका एग्जाम्पल है प्लानेरिया। तो प्लानेरिया हम देखने जा रहे हैं कि प्लानेरिया किस तरह के अपने स्पीसीज को कंटिन्यूस में रखता है विद द हेल्प ऑफ रीजनरेशन मेथड। तो ये हो गया प्लानेरिया की बॉडी। अगर मैं प्लानेरिया की बॉडी को अगर एक या तीन हिस्सों में मैं कट कर दूँ, तो एक जो कटेड जो हिस्सा होगा वो कटेड हिस्सा अपने खुद को रीजनरेट करके पूरा मतलब पूरी प्लानेरिया के बॉडी में कन्वर्ट होकर मतलब पूरा इंडिविजुअल प्लानेरिया यहाँ पर बना लेगा।